हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाही फैमिली में आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज है संडे, मैंने संडे की टिप जो है वो आपके साथ शेयर की है। तो आज मैं बनाऊंगी चिकन चीज़ बॉल और उसकी करी बनाऊंगी मैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं मसाले भर रही हूँ डिब्बे में। ऑलमोस्ट हफ्ते भर में हो जाता है कि ये ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर मैं उसको रिफ़िल करते रहती हूँ। यहाँ मैंने लिया है चिकन जो ऑलरेडी मैरिनेटेड कर लिया था, मैंने सैटरडे को ही कर लिया था। उसका वीडियो जो है वो ऑलरेडी मैंने लोड कर दिया है, उसकी लिंक मैं डाल दूंगी नीचे। तो फिर भी यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मैरिनेशन कैसे कर लिया है, मैंने शेयर किया है इस वीडियो में भी। तो चिकन के सारे जो बोनलेस पीसेस है उनको मैंने अलग कर लिया है और मिक्सर में से उसको फाइनली पीस लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, एक से दो राउंड ही लगाना है और सारे मसाले डालकर उसमें उसको मैरिनेट करना है। यहाँ पर मैंने दो बारीक कटी प्याज भी ऐड कर दिया है और सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर लिया है। नमक स्वाद अनुसार ऐड कर ले और अच्छे से मिक्स कर ले। तो चिकन चीज़ बॉल बनाने के लिए मैंने मैरिनेटेड चिकन जो है वो एक घंटा पहले ही फ्रिज से निकाल कर बाहर रख लिया था, तो अभी उसी की तैयारी कर रही हूँ। बॉल्स फ्राई करने के लिए मैंने पतीले में डाल दिया है तेल और उसको मैं अब गर्म करने के लिए रख दूँगी। जब तक कि तेल गरम हो जाता है तब तक मैं चीज़ जो है उसको अच्छे से ग्रेट कर लूँगी और फिर उसमें ऐड कर दूँगी हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और मिक्स कर लूँगी। सारे मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर उसकी छोटी छोटी पेड़ियाँ जो है वो बना लूँगी। तो इस तरह से आप पेड़िया बनाकर रख लें। और जो मैरिनेटेड चिकन है उसको भी अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लें और उसके बॉल्स बनाएं। और इस बॉल को बीचों बीच आपने ये चीज़ के बॉल्स जो है उसको डाल दें और अच्छे से उसको चिकन से कोट कर लें। तो इसी तरह से आप सभी चीज़ बॉल्स जो है वो बना लें। और रेयान जो है वो चीज़ बॉल नहीं खाता है, तो उसके लिए मैंने बस बिना चीज़ के ही बॉल्स बना लिए थे। जब तक कि सारे बॉल्स बनकर रेडी हो गए थे, तेल जो है वो भी गर्म हो चुका था, तो अभी मैं सारे बॉल्स जो है वो उसको फ्राई कर लूँगी। तो कम आंच पर इसको धीरे धीरे पलट पलट कर उसको ब्राउन होने तक की अच्छे से फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैं चीज़ बॉल फ्राई करते हुए साथ ही साथ तैयारी कर रही हूँ मसालों की। तो यहाँ मैंने दो बड़ी प्याज और दो बड़े टमाटर जो है मोटा मोटा काट लिया है, इसको मैं अभी फ्राई कर लूँगी। बच्चों को नाश्ते में सुबह सुबह चाहिए था मिल्क और टोस्ट, बस वही उनको दे रही हूँ। प्याज और टमाटर जो है वो मैं तवे पर ही फ्राई कर लूँगी, उसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक की फ्राई कर लूँगी और फिर उसके बाद जो है इसको पीस लूँगी मैं। तो यहाँ एक तरफ मसाला रेडी हो रहा है और बॉल्स जो है वो भी अच्छे से तल के हो रहे हैं। तो बस साथ ही साथ तैयारियाँ चल रही है, मेरे बच्चे जो है वो नाश्ता कर रहे हैं, दूध और टोस्ट, सब अपने अपने काम में बिजी है। तो मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है, गोल्डन ब्राउन हुआ है, अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको फाइन पेस्ट बना लूँगी। सारे चिकन बॉल्स जो है वो भी तलकर हो चुके हैं, तो बस दूसरे पतीले में मैंने वही तला हुआ तेल जो है वो ऐड कर लिया है और जो पिसा हुआ मसाला है वो उसमें ऐड कर दिया है। तो जैसे कि ये भुना हुआ मसाला है तो इसको टाइम नहीं लगता है, जल्दी ही पक जाता है। तो साथ ही साथ यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और चिकन मसाला ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर ले और नमक स्वाद अनुसार ऐड करें। नमक जो है ऑलरेडी चिकन में भी एडेड है, तो उस हिसाब से ही ऐड करें। और
फिर उसमें ऐड कर दे पानी। तो आपको कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कर दे और अच्छे से मिक्स कर ले और उसको ढककर 5 से 10 मिनट तक के मीडियम आंच पर पका ले। तो जब तक कि मसाला रेडी हो जाता है, मैंने रोटी की तैयारी कर ली थी, ज्वारी की रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ मेरा आटा भी गूंथकर रेडी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाला जो है वो भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो मैं इसमें ऐड करती हूँ चिकन बॉल्स, सभी जो है वो बॉल्स उसमें ऐड कर दूंगी और उसको ढककर 5 से 10 मिनट के लिए कम आंच पर उसको अच्छे से पकने के लिए रख दूंगी। जब तक कि मेरी ग्रेवी रेडी हो जाती है मैं बना लूंगी रोटियां। संडे होने के बावजूद भी मैंने सारा खाना जो है वो सुबह सुबह ही बना लिया था ताकि पूरा दिन जो है फिर मैं बाकी सारे काम को टाइम दे सकूं। मंडे टू फ्राइडे फिर से मेरा वर्किंग रहेगा, तो कई सारी चीज़ें जो है मैं आज तैयारियां कर लूंगी, जैसे कि हफ्ते भर के कपड़े मैं प्रेस करके रख लूंगी, मसाला जो है वो रेडी करके रख लूँगी, जैसे सेंगदानी का पाउडर बनाना हो या नारियल का पेस्ट बनाना हो वो मैं बना लूँगी, और चिकन और फिश जो है उसको मैं मैरिनेट करके रख लूँगी हफ्ते भर के लिए, ताकि नेक्स्ट वीक जो है जब मैं वर्किंग में रहूँ तो मुझे कोई डिफ़िकल्टी ना आए और बड़े आसानी से जो है वो मेरा काम होता रहेगा और बच्चों की डिमांड पर उनकी मनपसंद डिशेज जो है वो बनती रहेगी और मुझे भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना न भूलें। मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना न भूलें। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी। बाय बाय।